और यहाँ पर जो है साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है हल्का पीपी 125 में जो है जलसा करने जा रहे हैं। आज जो है मरियम निवास ने भी जो है यहाँ 18 हजारी में जो है पावर शो जो है जलसा किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साबिक खेल जनाब राय तमुरियात बड़ी साहब, इनसे बात करते हैं ये जलसे के इंतजाम के हवाले से यहाँ पर पहुंचे। अस्सलाम जी। अस्सलाम जी सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि आपने यहाँ पर इंतजाम के हवाले से भी अपना जायजा लिया, इसके साथ जो है आपका मुकाबला जो है वो इस वक्त हुकूमती उम्मीदवार के साथ है, क्या समझते हैं कल का जो पावर शो है वो कामयाब होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो जो मुल्क में सियासी हवा चल चुकी है और जो सियासी शऊर इमरान खान साहब ने दिया है या जो उनका नैरेटिव है, ये अब मुकाबला शख्सियात का नहीं रह गया, ये एक नज़रिए का मुकाबला है। ये पाकिस्तान के हक की जंग है, एक नज़रिए की जंग है जिसको पाकिस्तान की आवाम ने बड़े खुले दिल से कबूल किया और पाकिस्तान की आवाम खान साहब के इस बयानिए के साथ है। हमारे जंग के जो दोनों इलेक्शंस हैं, इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बड़ी अच्छी तैयारी भी है, हमारे कैंडिडेट्स भी बड़े तकड़े हैं और जंग की आवाम बड़ा शिद्दत से खान साहब के कल के इंतज़ार में भी है और 17 तारीख को भी अपना फैसला देगी इमरान खान के हक में। बताइएगा कि आपके तजर्बे के मुताबिक कल कितनी आवाम होगी यहाँ पर? देखें, अब जिस तरह से कामयाब जलसे चल रहे हैं खान साहब के, ये तो अब काउंटलेस, मतलब ये फिगर में नहीं आता। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 70,000 तो वो लाख एक्सीड कर जाता है, आप लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो 1.5 लाख एक्सीड कर जाता है। तो क्योंकि ये तो एक ऐसी हवा चली है जो पाकिस्तान के घर घर में, गली गली में चली है, जिसमें सारे लोग खान साहब के साथ खड़े हो गए हैं और उनके सामने बाकी तमाम जमातें और सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। ये जो हमारा इलेक्शन है, ये एक हमारा ट्रेलर है आने वाले जनरल इलेक्शन का और इसमें आवाम अपना फैसला करके दिखाएगा। ये बताइएगा कि अभी मरियम निवास ने जो है 18 हजारी चौक में जलसा किया, तो उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब का जो बयान है वो दफन हो चुका है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मरियम नवाज का जलसा ही बता रहा है 18 हजारी में कि किसका बयानिया दफन हो गया है। हम खुले मैदान में जलसा कर रहे हैं और उन्होंने एक सड़क के ऊपर जलसा किया है। सर, ये बताइए कि इंतजामिया जो है वो आपके साथ कॉपरेट कर रही है? देखिए, इंतजामिया कॉपरेट क्या करना है, जितनी गाड़ियां मैंने आज यहाँ पे जंग में देखी हैं, सरकारी मुलाजमीन, पुलिस के मुलाजमीन, सारे लोग हाईएस्ट वैगनों में भर के बेचारों को भेड़ बकरियों की तरह वो जो है मरियम के जलसे में लाया गया है ज़बरदस्ती। तो मोहतरमा को वो गाड़ी रहें तो ज़्यादा बेहतर है, टेलीफोनिक खिताब कर लें, लोगों को कम अज़ कम जलीलो ख्वार तो ना करें। और जो इंतज़ामिया का रवैया है वो इंतहाई नारवा है और ये इंतज़ामिया इस वक्त जो है वो बदमाशी के ऊपर उतरी हुई है। और इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नौजवानों का सैलाब है ना, ये हर चीज़ बहा के ले जाएगा। अगर इन्होंने धांधली करने की कोशिश की ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनको बहुत बड़ा सबक हासिल होने वाला है। उन्होंने कहा कि 10,000 से ऊपर गिनती शुरू होगी। किन्होंने कहा है ये? कुछ खबरें गर्दिश कर रही। ठीक है, हम कहते हैं 10,000 माइनस से गिनती शुरू होगी उनकी। कि जो आज का मरियम निवास का जलसा है, क्या आपके कल वाले जलसे कैंपेन तो नहीं है? हाँ, हमारे लिए वो जहाँ पे बात कर जाती हैं तो फिर वैसे तो हमें वहाँ पे जलसा नहीं करना चाहिए, वो हमारी कैंपेन हो जाती है। लेकिन चूंकि पहले से तयशुदा है तो अब खान साहब कल यहाँ पे आएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 18 हजारी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा यहाँ पे होगा और खान साहब यहाँ 18 हजारी आ रहे हैं और इससे इंशाल्लाह ताला तकवीत मिलेगी। वो यहाँ पे आके किसानों से, मज़दूरों से, बिजनेस कम्युनिटी से, हमारे ताजर तबके से, सब लोगों से वो इंशाल्लाह आके बात करेंगे। तो अब जो इमरान खान का बयानिया है वो इस वक्त लोगों के दिलों में रच बस चुका है और मैं इसके लिए जो सबसे जो अहम बात जो मैं समझता हूँ वो एक ही चीज़ है, खान साहब का पाकिस्तानी कौम के लिए स्टैंड लेना और जो उन्होंने नामूस रिसालत के लिए जो उन्होंने काम किया है उसके सिले में समझ लें कि अल्लाह ताला का ये ख़ास करम है पूरी दुनिया के अंदर। इमरान खान इस वक्त, इमरान खान साहब, इमरान खान साहब इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को लीड कर रहे हैं। तो
तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से दो तिहाई अक्सरियत के साथ तहरीक इंसाफ वापस आएगी और ये जितने भी इंतजामिया के गमाश्ते इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों को थ्रेट कर रहे हैं या उच्चे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब का जो है वो हम नोट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि निशाने इबरत बनाएंगे, लोग देखेंगे इंशाल्लाह इनको कि इन्होंने कैसे जो अपने इख्तियारात हैं उससे तजावज किया है। आवाम की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि ये जलसा का जो है इसकी जगह कम पड़ जाएगी। देखें, हमने तो काफ़ी बड़ी जगह का इंतखाब किया है, अभी इसको मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी मैंने कहा है हमारे नारू साहब जो यूथ के हमारे यहाँ पे हेड हैं इस रीजन के, इनको मैंने कहा है कि इसको मज़ीद एक्सटेंड करें और जो ये कोई फ्लैक्सेस वगैरह लग रही हैं इनको हटा दें यहाँ से और जलसा गाह को मज़ीद एक्सटेंड कर दें। जी बहुत शुक्रिया नासिर, आपने गुफ्तगु सुनी यहाँ पर फैसला का मौका और उनके साथ रहे तमूर हयात भट्टी, उनका कहना है कि कल का जो जलसा इमरान खान साहब का वो कामयाब जलसा रहेगा और इंशाल्लाह ये पावर शो जो है तरीक का सबसे बड़ा जलसा होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान से चैनल वानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।